एग्रीकल्चर पढ़ाई में आप सभी का वेलकम है दोस्तों। आज हम बात करेंगे एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, जो आज नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का, उसमें हम बात करेंगे कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल एंड थर्मल इफ़िशेंसी। काफ़ी IMP टॉपिक है, इससे हमेशा एक या दो क्वेश्चन पूछा जाता है कि बायोगैस की थर्मल इफ़िशेंसी क्या होती है, ठीक है, या पेट्रोल की कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है। इस तरह का क्वेश्चन जो है हमेशा एग्जाम में पूछ लिया जाता है और मोस्ट IMP टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कैलोरीफिक वैल्यू होता क्या है। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है? कैलोरीफिक क्या होता है? हीट प्रोड्यूस्ड ऑन बर्निंग ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल, ठीक है। 1 kg फ्यूल के जलने पर कितनी हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। 1 kg फ्यूल के जलने पर कितनी जो हीट है वो प्रोड्यूस होती है, मतलब यहाँ पे बर्निंग की बात हो रही है ना, मतलब कंप्लीट कम्बुशन की बात हो रही है। जो IC इंजन होते हैं ना, इंटरनल कम्बुशन टाइप, जो कंप्लीट कम्बुशन, जब पूरी तरीके से जब जलेगा फ्यूल, एक 1 kg की बात करो, या जब पूरी तरीके से फ्यूल जलेगा, ठीक है, बर्न करेगा, तो कितनी हीट प्रोड्यूस होगी उसको कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं। दूसरा बात करते हैं थर्मल इफिशियंसी की। थर्मल इफिशियंसी क्या होती है? थर्मल इफिशियंसी मतलब परसेंटेज ऑफ हीट डेट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू वर्क, मतलब कितना परसेंट, अब यहाँ पे हीट प्रोड्यूस हो गई, 1 kg ऑफ फ्यूल के जलने पर हीट जो प्रोड्यूस हो रही है उसको हमने कैलोरीफिक वैल्यू बोला। अब जो हीट प्रोड्यूस है, कितना परसेंट हीट जो है वो वर्क में ट्रांसफॉर्म होगी, ठीक है, कितना परसेंट जो है हीट जो प्रोड्यूस हुई है उसमें से कितनी परसेंट जो है हीट है वो वर्क में ट्रांसफॉर्म्ड होगी, उसको हम बोलेंगे थर्मल एफिशिएंसी। तो क्या हो जाएगा? परसेंटेज ऑफ हीट डेट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू वर्क, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ? कैलोरीफिक वैल्यू मतलब कि 1 kg फ्यूल के जलने पर जो हीट प्रोड्यूस होती है उसको हम कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल बोलते हैं। अब जो हीट प्रोड्यूस हो गई है, जैसे सिलेंडर के अंदर जो इंजन होता है, इंजन के सिलेंडर के अंदर एयर कंप्रेस्ड होती है, ठीक है, तो वहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है? बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ने क्या होता है? हीट प्रोड्यूस होती है। तो कैसे होती है? इसे फ्यूल के बर्निंग से। अब जो हीट प्रोड्यूस हुई है वो कितने परसेंट हीट जो है वर्क में कन्वर्ट हो रही है, कितने परसेंट हीट जो है वर्क में कन्वर्ट हो रही है उसको हम बोलते हैं थर्मल इफिशियंसी। तो यहां पे हम बात करेंगे, ये तो हो गया आपका फ्यूल, या जो भी लिखना, हाँ, यहां पे आ जाएगा आपका कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू यहां आ जाएगी आपकी थर्मल इफिशियंसी। थर्मल इफिशियंसी को परसेंटेज में डिनोट करते हैं, ये आ जाएगा अपना, ये डिफरेंट के लिए अलग अलग है, अगर गैस है तो वॉल्यूम है, वॉल्यूम के लिए अपन मीटर की भी यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं बायोगैस की। बायोगैस की कैलोरीफिक वैल्यू कितनी होती है? तो बायोगैस की जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है दोस्तों, 4500 किलो कैलोरी पर मीटर क्यूब, ठीक है, 4500 किलो कैलोरी पर मीटर क्यूब जो है बायोगैस की कैलोरीफिक वैल्यू होती है। अब बात करते हैं थर्मल इफिशियंसी की। तो थर्मल इफिशियंसी कितनी होती है? 60%, मतलब जितनी हीट, मतलब जो हीट यहाँ पे 100% जो हीट प्रोड्यूस हुई है उसमें से 60% हीट जो है वर्क के अंदर कन्वर्ट हो जाती है बायोगैस से, ठीक है। बायोगैस से कितनी परसेंट? 60% जो हीट है वो किस में ट्रांसफॉर्म हो जाती है? वर्क के अंदर, उसी को हमने थर्मल इफिशियंसी बोला। याद करना, बहुत ही IMP है, ये पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में कि थर्मल इफिशियंसी और बायोगैस 60% होती है, ठीक है। आपको याद रखना है कि टोटल 100% एनर्जी में से 60% एनर्जी जो है वो ट्रांसफॉर्म हो रही वर्क के अंदर जब हम बायोगैस फ्यूल यूज करते हैं, तो बायोगैस की थर्मल इफिशियंसी क्या हो गई? 60%। सेकेंड हम बात करते हैं काउडंग केक। जो काउडंग केक होता है उसकी थर्मल इफिशियंसी कितनी है? तो आप बायोगैस की जस्ट आधी कर लो, लगभग आधी, 2130 किलो कैलोरी पर kg, और इसकी थर्मल इफिशियंसी क्या होगी? 11%। तो याद रखना, जब हम काउडंग, जो आप बोलते हो ना कंडे,
तो जो कंडे हम जब जलाते हैं तो कितनी एनर्जी हमारी ट्रांसफर होती है वर्क के अंदर, तो 11% एनर्जी हमारी वर्क में कन्वर्ट होती है। थर्ड वन हम बात कर रहे हैं पेट्रोल, थर्ड वन हम किसकी बात कर रहे हैं, थर्ड हम बात कर रहे हैं पेट्रोल की। तो पेट्रोल के अंदर कितनी कैलोरीफिक वैल्यू होती है, तो 11,100 किलो कैलोरी पर केजी। याद रखना 11,000, ये भी मोस्ट आईएमपी है, पूछा जाता है कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ पेट्रोल तो कितना, 11,100 किलो कैलोरी पर केजी, और इसकी थर्मल इफिशेंसी भी पूछी जाती कितनी होती है, 25 से 32%, ये भी मोस्ट आईएमपी है, पूछा जाता है थर्मल इफिशेंसी ऑफ पेट्रोल इंजन या पेट्रोल हीट इंजन, तो 25 से 32%, मतलब वही हो गया कि कितने परसेंट एनर्जी हीट जो है वर्क के अंदर ट्रांसफर हो रही है, ठीक है। तो 25 से 32% जो एनर्जी है वर्क के अंदर ट्रांसफॉर्म होती है। फिर हम बात करते हैं डीजल की, डीजल के अंदर कितनी होती है कैलोरीफिक वैल्यू, 10,550 किलो कैलोरी पर केजी, और इसकी थर्मल इफिशेंसी कितनी होती है, 32 से 38%, मतलब पेट्रोल से ज़्यादा होती है। डीजल की जो थर्मल इफिशेंसी जो होती है पेट्रोल से ज़्यादा होती है, क्लियर है, मतलब ये ज़्यादा पेट्रोल से ज़्यादा परसेंटेज जो है हीट को कन्वर्ट कर रहा है वर्क के अंदर। तो ये क्या था हमारा, कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है, थर्मल इफिशियंसी क्या होता है, ये डाटा आपको बिल्कुल याद रखना है। इसमें मोस्ट आईएमपी है बायोगैस और पेट्रोल, इसका दो का मोस्टली, और डीजल इंजन की थर्मल इफिशियंसी, ये मोस्टली जो है पूछी जाती है, क्लियर है। अब यहाँ पे मैं कुछ और चीज़ें बताने वाला हूँ। एक होता है LDO, लाइट डीजल ऑयल, क्या होता है LDO, मतलब हो गया लाइट डीजल ऑयल। लाइट डीजल ऑयल की अगर हम बात करें कैलोरीफिक वैल्यू की, कैलोरीफिक वैल्यू की तो होती 10,300 किलो कैलोरी पर केजी, ठीक है। फिर होता है हाई स्पीड डीजल ऑयल, क्या हो जाएगा, हाई स्पीड डीजल ऑयल, इसकी कैलोरीफिक वैल्यू कितनी होती है, तो हाई स्पीड डीजल ऑयल जो होता है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है 10,550, मतलब ये ध्यान रखना जो यहाँ हमने पढ़ी डीजल की वही क्या है, हाई स्पीड डीजल ऑयल है, क्लियर। इसके बाद बात करते हैं पावर केरोसिन, पावर केरोसिन की कितनी होती है, तो पावर केरोसिन की जो होती है वो 10,850 किलो कैलोरी जो है इसकी क्या होती है, थर्मल इफिशियंसी होती है, क्लियर है। यहाँ पे हमने कैलोरीफिक वैल्यू और थर्मल इफिशियंसी को डिस्कस किया, ये डाटा आपको याद करना है जैसे भी आप याद कर पाएं, ठीक है। इसमें कोई ट्रिक या कोई शॉर्टकट नहीं है, सीधे आपको ये डाटा को याद करना है। आप बायोगैस का याद कीजिए, उससे जस्ट आधा कर दीजिए लगभग, तो क्या हो जाएगा आपका काउडंग का हो जाएगा, और पेट्रोल का कितना होता है 11,100, दोनों चीज़ें याद रखना है। यहाँ पे यहाँ थर्मल इफिशियंसी जो है पेट्रोल की डीजल से कम होती है, लेकिन कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है दोस्तों। तो बस आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू वेरी मच।